adore you all of the time. I'd like to Hey guys, I've reached Nomads Hostel, which is a part of the travel meetup organized by Stay On Skill, and there are in total 9 travelers जो आपके साथ अपने travel experiences share करेंगे, आपको inspire करेंगे कि how can you be a full time traveler and how can you earn from it and stuff like that. I will put all the links in the descriptions of the collaboration that we are going through. So please do follow them and अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना यार, क्या कहूँ और तुमसे. और ये हमारा कॉमन रूम है जो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है. यू हैव योर स्पीकर्स हियर, टीवी, गिटार, ऑल द बुक्स, कैरम, बैडमिंटन, लाइक इट्स अ वेरी चिल्ड आउट प्लेस. एंड दिस इज़ द किचन ऑफ द होस्टल. यहाँ पे आप कभी कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. आज तो मुझे बहुत प्यास लग रही है. काफ़ी ठंडा पानी है गाइस, वी आर एट केटीएम पैलेस एंड अभी हम सिटी टूर के लिए निकल रहे हैं, रेडियो टूर के लिए, विच इज़ ऑफ अराउंड 3 hours. So let's see how it goes. These are the people with us. In Lahore is Lahore जैसे नेशनल ज्योग्राफिक का ना कोई यार मछली पहुंचता है यहां तो. शिट यार. हे गाइस, वी आर एट द समर पैलेस व्हिच इज लोकेटेड इन अमृतसर. एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है ये. सो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हाउ कैन वी रिस्टोर इट एंड मेक इट अ हेरिटेज अगेन. लाइक इट्स अ हेरिटेज प्लेस, इट्स अ समर पैलेस. सो लेट्स सी. And this is our first stop at the City on Pedals tour of Heritage Tour. And yeah, it's good. खैरुद्दीन मॉस्क. इसकी हिस्ट्री ये है कि जलियांवाला बाग जब हुआ था उसके बाद जो भी डेड बॉडीज थी आपकी, वेदर इट्स ऑफ अ मुस्लिम और अ हिंदू, इसी मॉस्क में लेकर आया गया था बिकॉज ऑफ द रिचुअल्स की आपकी सारी डेड बॉडीज़ को पहले धोया जाता है. धोने की जगह है ये सारी, यहाँ पर धोया जाता है और उसके बाद उनको जो भी जलाया जाता है, जो भी होता है. तो यहाँ पर अभी सिटी ऑन पैडल्स के ऑर्गेनाइजर्स ने हमें बताया है कि यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी पार्टीशन के टाइम पे, पार्टीशन से पहले, जहाँ पे सारे लीडर सारे रिलीजन्स के यहाँ पर आए थे.
because it was considered as the safest place to hold a meeting at that time. So the point is ki yahan pe almost sab partition ke khilaf the, yahan pe jo mosque ke log the wo sab partition ke khilaf the, but at the end of the day we all know ki kya hua. अभी हम वाघा बॉर्डर पे हैं. इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, लेट्स सी कि कैसा रहता है. बाकी रिकॉर्डिंग तो होगी, तुसी भी देखना ही है और की. अभी हम गोल्डन टेंपल से आए हैं योगी सर के साथ. हाय. 2-3 घंटे लाइन में लगे. साइड कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. फर्स्ट टाइम मैं आया था सो बहुत अच्छा लगा. हाँ बट वेट करना पड़ा, वो भी 2 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे. मैं पैरों की लगी पड़ी है, कमर की लगी पड़ी है, आँखों की भी लगी पड़ी है, नींद आ रही है, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है. Getting to know about us, and as you can see, everyone is just vlogging. As you can see, they have solar panels installed in their homes and office as well. The place is awesome. Like, अगर मेरा office बनता तो भाई ऐसे ही बनेगा. यहाँ पे pool है. They have the pool out here. अपना garden. माता के जगराता में तो आपका स्वागत है. इनको भी बताओ. When someone says you thank you, धन्यवाद, शुक्रिया, then how do you reply? छत्तर पहने.
where we are doing our travelers talks. So here is Yogi sir, here is Prindaman, here is Mani, Sahil. We all are here to give you some insights about how we work as a digital nomad and how you can also pursue your career in that. So we are just here to inspire you guys. तो दो चीज़ें होती हैं कि आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है या फेसबुक पर पेज है या यूट्यूब पे पेज है दैट इज़ योर ब्रांड दैट इज़ द कंपनीज नेम और जो आपका क्लोथ का क्वालिटी है जैसे उन्होंने बताया क्लोथ का क्वालिटी जो कंटेंट है वो आपका कंटेंट है सो देयर आर टू थिंग्स योर ब्रांड और उसके अंदर आप बेच कर रहे हो आप लोगों को प्रोवाइड वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हो हुआ क्या कि आपने शॉप खोल दी अब उसके बाद में कपड़े भी बड़े बहुत अच्छे कपड़े आपने इम्पोर्ट करे बहुत बढ़िया बट कोई खरीद नहीं रहा क्यों क्योंकि आपका मार्केटिंग ही नहीं है किसी को पता ही नहीं आपका क्या ब्रांड है क्यों है तो दो चीज़ें इसमें योर कंटेंट इज द किंग योर क्लोथ क्वालिटी इज द किंग बट योर मार्केटिंग इज द क्वीन दोनों के बिना कुछ एम्पायर तो कुछ चलने वाला है नहीं तो दोनों आपको चीज़ें आनी चाहिए कि आपका क्वालिटी अच्छा हो और मार्केटिंग अच्छा हो ये हुआ कि आपने मार्केटिंग कर दी बंदा कपड़ा खरीदने आया उसको पसंद ही नहीं आया तो वो आपका कंटेंट नहीं देखेगा कोई भी देर आर थ्री वेज कि आप ब्रांड कैसे कर सकते हो ऑनलाइन होता है ऑनलाइन में आपका ऑर्गेनिकली होता है ऑर्गेनिकली मीन्स कि आपने एक फेसबुक पेज बना दिया और लोग खुद आ रहे हैं खुद लाइक कर रहे हैं खुद आपका परचेज कर रहे हैं खुद सब कुछ कर रहे हैं दूसरा होता है पेड विच इज़ योर फेसबुक एड्स और गूगल एड्स तब उसके अंदर आपने एड्स डाल दिए थर्ड इज वर्ड ऑफ माउथ तो वर्ड ऑफ माउथ से बोलेगा क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ यार इसने बताया ही इज़ अ ट्रस्टेड गाय आई नो हिम सो वॉट आई फील इज कि वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर आपका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है तो सब बढ़िया रहेगा आपका क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ इज फ्रॉम द एक्सपीरियंस इसमें तीन चीज़ें तीन आपके सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं फेसबुक पर होता है आपका इंस्टाग्राम पे होता है और आपका यूट्यूब पे होता है तो फेसबुक की जो एल्गोरिथम्स होती हैं कि आपने जो पोस्ट करा है दे आर शिट बिकॉज वो क्या चाहते हैं कि आप उनके एड्स में इन्वेस्ट करो पैसा और तभी वो एंगेजमेंट देंगे इट डजेंट मैटर कि आपके इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर है कि 10,000 फॉलोअर हैं आपकी एक पोस्ट पे कितने लाइक्स आ रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं एंगेजमेंट कितनी है दैट रियली मैटर्स सो डोंट यू नो रन टूवर्ड्स कि भाई आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाए यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ जाए आपने पेड ले लिए दैट वोंट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन सो यू नीड टू ब्रांड इट फ्रॉम द कोर फ्रॉम योर हार्ट कि भाई मैंने करना है ये पैसा आए ना आए वो देखी जाएगी वो करना है तो फेसबुक में ये है सेकेंडली बट वही है कि आपको पैसा लगाना पड़ेगा अगर फेसबुक आपने पॉपुलर होना है क्यों कुछ चारे नहीं हमारे पास सेकेंडली यूट्यूब अब YouTube में क्या है कि YouTube के एल्गोरिथम ये है कि अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं है और या आपके 10,000 शायद से घंटे का व्यूअरशिप नहीं है तो यू कांट मोनेटाइज योर वीडियोस सो इट्स लाइक बहुत ही बड़ी चीज़ है 1,000 सब्सक्राइबर लाना आसान नहीं है शुरुआत में तो वही है कि अगर आप YouTube पे पैसे ले जा रहे हो तो मत जाओ कोई फायदा चार दिन में छोड़ दोगे वो मेहनत भी बेकार तब बेकार थर्डली आपके इंस्टाग्राम क्या कर रहा है कि वो आपके कंटेंट जो है अच्छा कंटेंट है वो आपको एक्सप्लोर पेज होता है इंस्टाग्राम में देखा होगा अगर आप एक्सप्लोर पेज पर आ गए तो मतलब कि आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ रहा है वहाँ पे क्योंकि आपका कंटेंट अच्छा है तो इंस्टाग्राम पुश करेगा उसको और पूरा वर्ल्ड वाइड जाता है वो चीज़ तो यू यू हैश टैग यू यूज यू टैग पीपल हु रीपोस्ट योर पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम क्वेश्चन